तो हम कैरम के जो बेसिक्स है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आई मीन तो मेरे यहाँ कुछ बच्चे रहते हैं, तो वो बोलते कैरम की पीस कैसे लगाते हैं। कैरम की पीस इस कदर लगा देगी, ये जो है अगर आप स्ट्रेट ब्रेक कर रहे हो पहली बात, तो ये दोनों पीस कुछ इस तरह से आप कुछ ये क्लोजली आपको ऐसे चिपका के ये वी शेप में होना चाहिए। दिस इज मतलब ब्रेक ऐसे लगा था, जैसे आप यू गाना मेक योर ब्रेक। और जब आप मतलब बहुत लोग हैं जिन्हें ब्रेक लगाना नहीं आता, सीरियसली खेलना आता है लेकिन ब्रेक लगाना नहीं आता, तो ये उन लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं। तो उन लोगों के लिए जिन्हें ब्रेक लगाना नहीं आता, तो ऐसे ब्रेक लगाते हैं। तो मैं आपको वापस बताता हूँ, तो ये जो है दिस शुड बी वन वाइट वन ब्लैक वन वाइट वन ब्लैक वन वाइट वन ब्लैक। ओके, सो जो डिप्रेशन होता है यहाँ पे, ये जो डिप्रेशन है वहाँ पर आपको ब्लैक लगाना है, हर एक डिप्रेशन में आपको ब्लैक लगाना है। और फिर जो बाकी बची जगहों पर वाइट। जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपको अपना हाथ इन दोनों हाथ इस तरह से रखना है। आई मीन नॉट यू हैव टू नॉट यू नो पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इट, मतलब ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना है इस पे। इट्स वेरी सिंपल, मतलब लाइटली आपको इसे हाथ रखना है। फिर कोई कोई मतलब टाइट चिपकाने के लिए ये लोग इस ऐसे करते कुछ, मतलब क्या होता है कि कोई भी पीस में गैप ज़्यादा नहीं रहता, तो सब यू हैव टू लुक ऑन इट, मतलब कोई गैप नहीं रहना चाहिए कोई भी पीस में। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप ब्रेक लगा रहे हो और फिर कोई पीस ऐसे बिखर जाती है, ओ माय गॉड ऐसे हो जाता है। तो ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, ये इसलिए होता है बिकॉज़ आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो पीस पे। इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस मतलब ऐसे रखना है सिंपल, मतलब हाथ एकदम 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 लाइट रखना है आपको, ये कुछ इस तरह से। ओके, और ये जब आप ब्रेक लगा दो तो आपको आगे आना है, आगे लाइक दिस। और ये जो आग की लाइन है दोनों, उनके बीच में ये वाइट और ये आगे की दो वाइट जो होती है वो एक लाइन में होनी चाहिए, तो आपको बड़े आसानी से ब्रेक जो है इस तरह से लगाना है। और ये जो हाथ है प्लीज़ लाइटली रखना, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है बहुत ऐसे 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 करते ये तो ये है, ये जो है ये इट्स इट्स स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको जब आप ब्रेक लगाते हैं ऐसे ब्रेक लगाए। ओके डन, ये 1 2 3 ओके डन, ये ऑल सेट, चेक कीजिए। ओके 1 2 और ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक लगाया। ओके, और ये कोई कोई मतलब मैं टूर्नामेंट खेलता हूँ तो मतलब वहाँ अलग अलग रूल्स होते हैं, आप पूछ लेना। अगर आपके यहाँ पर ऐसे गैप रहता है, मतलब ऐसे गैप रख सकते तो ओके, नहीं रख सकते तो आपको ऐसे आगे धकलना है, आगे धकल। अगर गैप रखते तो इट्स बेटर, क्योंकि पीस बहुत फ्री होती है इससे। अगर गैप नहीं रहता तो भी चलेगा, इट्स नो प्रॉब्लम। खाली आपको देखना है कि ये सर्कल से बाहर पीस नहीं आनी चाहिए बाहर, नहीं तो फाउल हो जाएगा। ओके, जब आप ब्रेक लगाते ये थोड़ा सा आगे हल्के से आगे लेना है, पीछे चाहिए तो पीछे ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, प्ले आगे रख सकते हैं। ये हो गया, उसके बाद आपको ब्रेक करना है। तो ब्रेक आप अगर आप स्ट्रेट ब्रेक कर रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, इससे क्या होता है तो मोस्ट ऑफ द पीस गेट्स यू नो सेपरेटेड फ्रॉम द सर्कल। तो यहाँ पर आपको इस तरह से भी यहाँ इस एंगल से भी आप ब्रेक कर सकते हैं। तो आपको जब आप ब्रेक कर आई मीन इट शुड बी रियली पावर ब्रेक, आपका कभी कभी हाथ फिसल जाता है, कभी 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 आई मीन यहाँ पर स्ट्राइकर लग के यहाँ चले जाते हैं। तो जब आप यहाँ से ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ जाना है। अगर आप यहाँ से ब्रेक कर रहे हो तो इस पीस के जो ये जो लाइन है यहाँ जो जा रही है यहाँ पर लाइन, इस पीस की सेंटर लाइन पर आई मीन सेंटर पर आपको मारना है। तो अगर आप यहाँ से मारोगे देन यू इज ओके, इट्स अकॉर्डिंग टू योर पोजिशन हाउ यू सिट एंड ऑल। मतलब आप अगर लेफ्टी हो तो आप मोस्ट ऑफ यहाँ से ब्रेक करोगे, कभी इस ग्रिप से आप ब्रेक कर रहे हो, कभी इस ग्रिप से, इट्स इट्स टोटली फाइन।
तो आप यहाँ से ब्रेक करोगे तो बहुत अच्छा है। आपका जो ये मिडिल फिंगर है, अगर आप ऐसे ब्रेक कर रहे हो तो मिडिल फिंगर आप यहाँ पर आते हैं, ये जो सर्कल है वहाँ पर आपको, ये जो बीच का सर्कल है आपको दिख रहा है, ओके, ये जो बीच का सर्कल है और वहाँ पर आपको ये सेंटर फिंगर रखना है। और आप ध्यान रखिए कि आपका ये जो लाइन है उसके बाहर हाथ ना चले जाए बस, इट्स। तो आपको जब आप ब्रेक कर रहे हो तो आपका पोजिशन ये होना चाहिए, नॉट लाइक कोई कोई जो होते हैं लोग वो इस तरह से ब्रेक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे ब्रेक करते हैं, कोई ऐसे ब्रेक करते हैं, कैसे भी ब्रेक करते हैं, मतलब पोजीशन में आना, मतलब पोजीशन में आने के लिए पोजीशन में आके ब्रेक कर सकते हैं। ये जो पोजीशन है, आई मीन यहाँ से अच्छा ब्रेक होगा, इट्स आउट ऑफ 100 यू कैन स्कोर 99 इन दिस ब्रेक। सो ये जो ब्रेक है ये आपको इस तरह से करना है, इट्स लाइक वेरी सिंपल। आई मीन ये ऐसे या हाथ रखो, रेडी 1 2 एंड यस, आप देख सकते हैं दो पीस गए, क्वीन फ्री हो गई मेरी, तो एक वाइट यहाँ पर है, एक वाइट यहाँ पर है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक। तो आप एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पर मेरा कैरम जो है वो चल नहीं रहा है फिलहाल, तो क्योंकि आई डोंट हैव अ लैम्प ऑन इट एंड आई एम टेरिस बिकॉज ऑफ सम रीजंस। नीचे जो है मैं कैरम खेलता हूँ, वहाँ पर थोड़ी पब्लिक आती जाती है, तो मैं वहाँ पर मैंने कैरम रखा है बिकॉज वहाँ पर मोस्टली रात को कैरम का मैच होता रहता है, तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक आती जाती रहती है, दैट्स व्हाई आई कैन यू नो कीप ऑन शूटिंग द वीडियो। सो बाकी लोगों को तकलीफ होने से अच्छा मैं टेरिस पर आ गया। और हाँ, जब आप रिवर्स ब्रेक कर रहे हो तो आपका आई मीन यू गेट टू टाइप्स ऑफ ब्रेक्स when you go for reverse break। So जब आप reverse break करो तो आप कुछ इस तरह से आपका जो है ये position होता है, कोई यहाँ से मारता है, कोई यहाँ से मारता है, तो main चीज़ होती है वो होती है position। तो पोजीशन जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ब्रेक। तो नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, गलत साइड पर ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर लग जाता है, कभी यहाँ पर लग जाता है, कभी यहाँ पर लग जाता है, अभी इट डिपेंड्स ऑन योर ब्रेक। तो आप कैसे भी ब्रेक कर रहे हो, आई मीन यहाँ ऐसे ब्रेक कर रहे हो या ऐसे ब्रेक कर रहे हो, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज पोजिशन। सो पोजिशन शुड बी यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो मैं आपको बताऊँगा, अगर आप ऐसे ब्रेक करो, ये जो है ये आपका ये जो ब्रेक है, तो इसके लिए आपको ये पोजीशन लेनी है, ये वाली पोजीशन पर। हाँ, मेरा हाथ देख सकते हो आप, मेरा बॉडी लाइन, ओके, जस्ट नोटिस मैं क्या गोइंग फॉर द ब्रेक। सो ये जो है इस तरह से, अगर आप बॉल से ब्रेक करो सेम पोजीशन चाहिए तो अपना हाथ अपने यहाँ पर रख सकते हैं आप, तो ये इस तरह से ब्रेक होना चाहिए। लेट मी शो यू, ये आप ऐसे ऐसे जो भी आपका ग्रिप, ये ऐसे ग्रिप होता है, ये वाला ग्रिप, तो 1 2 3 1 2 3, ओके, तो इस टाइगर के यहाँ पर जाएगा, ओके। और जब आप ऐसे ब्रेक करो तो आपका बॉडी लाइन जो है कुछ इस तरह से, पोजीशन कुछ यहाँ पर आनी चाहिए, ये 1 2 3 1 2 3। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर मारूँ या यहाँ पर कैसे लगता है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हो। तो ये एक टाइप का ब्रेक, अगर आपको ये इस साइड मारना है, इफ़ यू वॉन्ट टू ब्रेक हियर, सो तो आपका बॉडी लाइन जो सेम, तो आपको यहाँ पर सेंटर में लग के यहाँ पर आइए, ओके, यहाँ पर सेंटर में लग के आपको यहाँ पर मारना है, दैट्स इट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज पोजिशन, नथिंग एल्स इन ब्रेक, इम्पॉर्टेंट थिंग इज जस्ट पोजिशन। तो अगर आप ऐसे मार रहे हो तो आपका हाथ, ये जो पोजिशन है, इस तरह से होना चाहिए ये, और अगर आप यहाँ से मार रहे हो तो आपका जो यहाँ से मार रहे हो तो ये आपका नॉर्मल पोजिशन होना चाहिए, ये, ओके, दैट्स इनफ फॉर ब्रेक। आई मीन मतलब इतना बस हो गया मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आप कैरम तो खेलते हो, मतलब इट वॉज जस्ट बेसिक्स फॉर बिगनर्स, एंड जिन्हें नहीं पता कि ब्रेक कैसे लगाते हैं उनके लिए, अगर आप स्ट्रेट ब्रेक मार रहे तो कुछ इस तरह से होना चाहिए, आप
आपका पोजीशन ये इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से. दिस इज नॉर्मल पोजीशन फॉर द व्हेन यू स्टार्ट फॉर द ब्रेक. सो अगर आप ऐसे मार रहे हो यहाँ पर मार रहे हो तो ये होना चाहिए आपका पोजीशन, ये होना चाहिए. आपको पीस पे देखना है, आप जहाँ पर मार रहे हो आपका नज़र वहीं पर होना चाहिए, नहीं तो कहीं पर भी लग सकता है. कोई कोई ऐसे खेलते हैं, कोई लोग ऐसे ब्रेक करते हैं, कोई ऐसे ब्रेक करता है जहाँ पर मतलब इट्स. अगर आपकी जा रही है ऐसे तो मतलब इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ यू आर फीलिंग रियली कंफर्टेबल विद इट, यू कैन ब्रेक लाइक दैट, इट्स ओके. आई मीन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मतलब मेरे हिसाब से कि आपको ऐसे करना चाहिए. इट्स यू नो इट्स रियली वेरी यूजफुल इफ़ यू ट्राई. दैट्स इट. आई मीन और तो इट्स वेरी सिंपल. अगर आप ब्रेक लगा रहे हो, अगर आपकी कोई पीछे से रह जा रही है आप तो उसके लिए आपको कुछ आपको पूरा पीस जो है आपका हाथ पूरा फैला कर तो आपको ऐसे पकड़ना है. ओके ये ऐसे पकड़ना है आपको अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो. कोई लोग मतलब छूट जाते हैं ऐसे हाथ से, कोई ना एक पीस गलती से छूट जाती है यहाँ पर, तो वो नहीं होना चाहिए. इसलिए आपको पूरा हाथ आपका जो है जो पीस से कवर करना है. ओके सो ये आपने कवर कर लिया एंड गो विद द फ्लो. ओके अगर आप यह पीस आगे जाओगे तो आप भी आगे जाओ. आप ये ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली छूटना ही है, तो आप भी इसके साथ आप भी आगे जाओ, आप भी लगाओ, ये एम करो. ओके 1 2 ये एम लगाया. ओके एंड जस्ट गो फॉर द ब्रेक. It's like this. ये जो है सब पीस टाइटली लगाओ क्योंकि अगर कोई ऐसे गैप रह गया तो ब्रेक अच्छे से नहीं होता, नथिंग एल्स. ओके ये जो है अगर आप स्ट्रेट ब्रेक कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ ये कुछ इस तरह से होना चाहिए. ये थोड़ा सा आगे लेट्स गो फॉर द ब्रेक. और आपको जितना जोर से मारना है मार सकते हैं, इट्स ऑन यू. अगर आपको कम पीस बाहर निकालनी है तो आप स्लो मारो, ज़्यादा पीस बाहर निकालनी है तो जोर से मारो. इट्स कॉमन सेंस. ये ब्रेक